कृपा पटेल को हटा के सिंह देवेंद्र चौरसिया के ऊपर हुए हमले से मृत्यु होने के कारण प्रकरण में झूठा फंसाया गया है, जिसकी निष्पक्ष जांच कराने बाबत महोदय उक्त विषय के संबंध में निवेदन है कि हम सभी कुर्मी समाज संगठन जिला दमोह के सदस्यों द्वारा आपसे अनुरोध करते हैं कि जहां घटना घटित हुई है उस स्थान पर CCTV कैमरा लगे हुए हैं, जिसकी घटना पूर्व से घटना तक की फुटेज निकाल कर जाँच कराई जाए। यह की जानकारी प्राप्त हुई है कि घटना स्थल के CCTV कैमरा निकाले गए हैं, ये किसके द्वारा निकाले गए हैं उनकी भी जांच कराई जाए। यदि किन्हीं व्यक्तियों द्वारा बिना किसी अनुमति के CCTV कैमरे निकाले हैं तो यह निश्चित प्रतीत होता है कि श्री इंद्रपाल पटेल को फंसाने का षड्यंत्र व साक्ष्य छिपाने का प्रयास भी है। इस दौरान घटना स्थल पर बड़ी संख्या में मजदूर व कर्मचारी कार्य करते हैं, उनकी भी कथन लिए जावे व जांच शामिल किए जावे। यह कि घटा शहर से घटनास्थल पर पहुंचने के जो भी रास्ते हैं उन पर लगे हुए शासकीय CCTV कैमरों की भी गंभीरतापूर्वक जांच कराई जाए। यह कि जैसे ही हमारे अध्यक्ष श्री शिवचरण पटेल जी को घटना की जानकारी लगी तब वे सागर होते हुए भोपाल मार्ग पर थे, तत्काल वापस आकर पुलिस अधीक्षक महोदय को घटना दिनांक को ही समय लगभग 1 से 2 बजे तक के बीच में घटना के संबंध में लिखित पत्र देकर निष्पक्ष जांच कराने का निवेदन किया गया था। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि हमारी समाज के जिलाध्यक्ष जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, इसलिए राजनीतिक द्वेष के कारण उनके पुत्र इंद्रपाल पटेल को मामले में झूठा फंसाया गया है, जिसकी निष्पक्ष जाँच कराते हुए इंद्रपाल पटेल को मामले से अलग कराने की कृपा करें। भवदीय समस्त पूर्वी छत्तीस समाज दमोह।